हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द क्रिक। तो आज मैं आपको कुछ डिफरेंट दिखाने वाला हूँ, क्योंकि आज हम लोग एक ऐसी शॉप पे जाने वाले हैं जहाँ पर हमारी घर की लगभग सारी ज़रूरत की चीज़ें मिलती है और सारी सस्ती होती है, बिकॉज वहाँ पे सब कुछ सेकंड हैंड मिलता है और जो न्यू आता है वो भी मिल सकता है कभी कभार, और सेकंड हैंड भी ऐसा क्या वो मतलब न्यू ही दिखता है। और आज मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ दिखाता हूँ, तो आप लोग भी यहाँ की जानकारी ले सकते हैं। तो गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं ड्रीम सेंटर, उसका नाम है, और अभी हम वहाँ पे पहुँच के आप सभी लोगों को दिखाएंगे कि वहाँ पे कैसा मिलता है, जिससे कि आपको पूरा यकीन हो जाए, यकीन मतलब आप लोग अपना भी फिर सेंस लगा सकें। तो फिर गाइस, अभी हम लोग ऑलमोस्ट ही वहाँ पर पहुँच चुके हैं। देखिए गाइस, अब हम पहुँच चुके हैं ड्रीम सेंटर। तो देख ही सकते हैं ना आप लोग, देखिए ड्रीम सेंटर। और अभी चलिए हम लोग इसके अंदर चलते हैं। तो गाइस ये देखिए, ये मैं बैठा हूँ एक कुर्सी पे। तो देख ही सकते हैं यहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें मिलती है, सोफे भी आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें ख़रीद सकते हैं। और देख सकते हैं अलग कितना अच्छा सोफ़ा है। तो अगर आपका मन है तो फिर आप यहाँ पे आके कुछ भी खरीद सकते हैं, और वो भी कम रेट में, जो बात मैंने आपको पहले बताई थी। और गाइस ये देखिए, यहाँ पर ये सजावट के लिए चीज़ें देख ही सकते हैं आप सभी लोग। और गाइस देखिए, और यहाँ पर अब अलमारी रखी है देख ही सकते हैं। और यहाँ पर थोड़ी सी और चीज़ें सजावट के लिए, और देखिए इसका रेट। और यहाँ पर एक अलमारी है का देख ही सकते हैं, आई मीन ये बहुत अच्छी जगह है। और देख सकते हैं ये एक टेबल मिल रही है जिसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें आप लोग ख़रीद सकते हैं। और देखिए इसके अंदर कितने अच्छे बर्तन हैं, मतलब कोई भी आएगा तो वो मतलब बहुत सारी चीज़ें खरीद के तो जाएगा ही गाइस। देख ही सकते हैं सभी लोग, आप भी अपने घर में सजाने के लिए लगा सकते हैं, देख ही सकते हैं। और कितने अच्छा दिख रहा है ये सब कुछ। और गाइस देखिए, यहाँ पर लाइट से लैंप से देख ही सकते हैं आप सभी लोग। और गाइस देखिए, यहाँ पर एक और अच्छी आप को टेबल मिल जाएगी जिसको पर आप बैठ के खाना खा सकते हैं। देखिए ये कितना अच्छे बर्तन है, इसके ऊपर आप खरीद सकते हो कुछ भी। और गाइस देखिए, यहाँ पर आपको सारी चीज़ मिल जाएगी इसके अंदर घुसने के बाद, इसी पोर्शन के अंदर घुसने के बाद, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें नहीं लेकिन सिर्फ बर्तनों की सारी चीज़ आपको मिल सकती है यहाँ पर। देख ही सकते हैं आप सभी लोग, यहाँ पे कितना ज़्यादा अच्छे अच्छे बर्तन है, जो मतलब वाह। और फिर गाइस अभी आप थोड़ी देर के लिए देखें, फिर मैं आपको बताता हूँ इन सारे बर्तनों के आगे और बारे में। आज तो आपने वो सारे बर्तन तो देख लिए, मुझे कमेंट में बताइएगा आपको बर्तन कैसे लगे और आपका आने का यहाँ पर मन है भी या नहीं। और देखिए पुराने ज़माने की क्लॉक होती थी, मुझे ये तो नहीं पता क्या ये अभी भी चलती हुई है या नहीं। देख ही सकते हैं गाइस, यहाँ पे कितनी ज़्यादा अच्छी चीज़ें, और यहाँ पे इतनी ज़्यादा सजावट की चीज़ें, हमें बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ कि सजावट की चीज़ें दें गाइस कोई बात नहीं, अभी चलो हम लोग आगे चलते। और गाइस उससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब नहीं किया तो करिए अभी के अभी। और गाइस ये देखिए, यहाँ पर कपड़े सीने वाली मशीन है, देखिए फ्रेम्स बड़ी अच्छी है, ग्लास है, कप्स हैं, कांच के बर्तन हैं, देखिए ये कितनी अच्छी सी डॉल है, और देखिए कितनी अच्छी सी घड़ी है जिसको आप अपने घर में लगा सकते हो। और गाइस देखिए वो ऊपर फूल है, पर वो फूल तो हाँ वो फूल ख़रीदना नहीं है,
मैं थोड़ी देर के लिए इस वजह से चुप हुआ था जिससे कि आप लोग देख सके। इसके अंदर आप लोग हुक्का रखना अपना। पापा हुक्का बार देखो, हुक्का ये देखिए, ये हुक्का बार है, आपको तो पता ही होगा और मैंने बोला भी है। गाइस ये पुराने जमाने का वो होता है जिनके अंदर ये अपने पानी आते कुछ अपना सामान जरूरत का सामान रख के जा सकते हैं। और गाइस ये देखिए, अब मैं इसको बंद कर रहा हूँ। और गाइस ये देखिए, आपकी टेबल पे सजाने के लिए एक चीज़ है, आप लोग देख ही सकते हैं। और ये देखिए, इसको भी आप अपनी किसी भी जगह पे सजा सकते हैं। और गाइस यहाँ पर ज़रूर से आइएगा। ये देखिए, ये पता नहीं क्या चीज़ है, मुझे कमेंट में बता दीजिए। और गाइस देखिए कितने अच्छे फूल है, पौधे, कितने अच्छे फ्लावर्स है। और देखिए यहाँ पर कैंडल से भी है। देखिए कितने छोटे छोटे बर्तन हैं, आप लोग देख ही सकते हैं। और गाइस अभी आप थोड़ी देर के लिए इन सारी चीज़ों को देखिए और मैं अभी थोड़ी देर के लिए चुप रहूँगा, ठीक है गाइस? गाइस देखिए अपने बर्तन देख लिए और अभी हम जल्दी ऊपर भी जाने वाले हैं। ये देखिए आप यहाँ से कप वप खरीद सकते, मतलब यहाँ पे हर वो चीज़ें जो आपके काम की है, हाँ पुरानी है और सस्ती भी है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें नहीं, आधे से ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर पुरानी भी नहीं दिखती है, बिल्कुल नई चीज़ें नहीं दिखती है यहाँ पर, नई चीज़ें नहीं दिखती, सॉरी पुरानी चीज़ें यहाँ पर नहीं दिखती है। और अभी चलो हम लोग ऊपर चढ़ते हैं और फिर ऊपर का भी आपको सारे मैं एरिया दिखाता हूँ। गाइस ये देखिए, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर भी बहुत सारे बर्तन हैं, मीन ऊपर तो मतलब पूरा कलेक्शन है, नीचे और भी चीज़ें बर्तनों के अलावा। और आप लोग अभी देख ही सकते हैं, आप सभी लोग कितने ज़्यादा अच्छे। और यहाँ से आप लोग मतलब ख़रीद सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं यार ये तो कितना महंगा है, मैं ख़रीद नहीं सकता, तो कोई भी ऐसा बोल ही नहीं सकता, सारी चीज़ें बड़ी सस्ती है। और वो चाहे कितनी भी सेकंड हैंडों पर दिखती नहीं है, ये सारी गाइस सेकंड हैंड है लेकिन फिर भी ये नई जैसी दिख रही है। और गाइस अगर आपके पास भी कोई पुराना सामान पड़ा है जिसको आप सोचते हो मैं इसको किसी को देना भी नहीं चाहता लेकिन कोई और ख़रीद ले, और आपके पास कोई रिश्तेदार नहीं है, तो आप इधर उस सामान को छोड़ कर जा सकते हो जो सामान बाकी सारे लोग ख़रीद लेते हैं। लेकिन मुझे ये नहीं पता उसके बदले आपको पैसे मिलेंगे या नहीं। लेकिन गाइस ये देखिए, ये आप लोग देख ही सकते, प्लेट से बड़ी अच्छी। और ये देखिए, और गाइस अभी मैं थोड़ी देर के लिए चुप हो जाऊँगा और आप लोग अपने सहन से इन सारे बर्तनों को देखिए या तो कपड़ों को। गाइस तो ये देखिए, आपने सारे बर्तन तो होपली देख लिए होंगे। और अब ये देखिए यहाँ पर पता नहीं क्या है चीज़ें। और गाइस तो हमने अभी ट्रीम सेंटर देख लिया है, तो अभी इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। और मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और प्लीज़ अपने जो भी दोस्त वोस्त उनको शेयर ज़रूर से करिए जिससे कि मैं आपके लिए और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूँ। और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, और नोटिफिकेशन के लिए। बाय।